स्टूडेंट आफ्टर दिस आपको जो रिवीजन करना है वो हो जाएगा आपका ये एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव में जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही कर लें क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पास वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो गया है सारे सब्जेक्ट का कंटिन्यू काफ़ी बच्चे रिविज़न किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो मैं मैथ्स में थोड़ा सा आपको कम वर्क देने वाली हूँ मीन्स वर्क तो मिलेगा लेकिन उसे राइट कम करना पड़ेगा तो स्टूडेंट जो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर आपको दोनों को ही बुक में ही करना है स्टूडेंट अब मैं बता दूँ कि ये कैसे आएगा एग्ज़ाम में जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेंटेंस में दे दिया ठीक है इसे नोटेशन आपको इसकी राइट करनी होगी मैंने नंबर्स में इन्हें दे uh, रखा हुआ है सॉरी वर्ड्स में मैंने दे रखा हुआ है और आपको इनका नंबर लिखना होगा इनका फ़िगर लिखना होगा अब ये डिपेंड करता है कि जो आपको ये फिगर लिखना है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है इंडियन नंबर किस अकॉर्डिंग लिखना है या फिर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग वो आप देख लेंगे तो ये सब आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे मैंने ये दे रखा है तो इसका जो भी नंबर होगा आप नीचे राइट कर देंगे फिर जो नेक्स्ट होगा उसे राइट करेंगे और उसका नंबर राइट करेंगे ठीक है बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है तो इस तरह से आपको ये जो प्रॉब्लम फर्स्ट है इसको भी अपनी बुक में करना है और साथ ही जो ये प्रॉब्लम सेकेंड है इसको भी अपनी बुक में करना है थर्ड एंड फोर्थ इनको भी आपको अपनी बुक में करना है जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगी वो कॉपी में कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ इसी एक्सरसाइज का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव इसको भी आपको करना है अब मैंने ये कट क्या लगाया हुआ है यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एग्ज़ाम में अगर मैं न्यूमरस दूंगी तो आपको इनके नोटेशंस को इनके uh, नंबर्स को वर्ड में इस तरह से सिंपल लिख देना होगा ठीक है अगर मैंने इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बोला है तो इंडियन के अकॉर्डिंग करिएगा और अगर मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर देंगे ठीक है और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन में भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही बुक में ही करना है ये वर्क नहीं है क्लियर हुआ स्टूडेंट फिर चलते हैं आगे अब आप देख सकते हैं या आपको फाइंड हो जाएगा पेज नंबर फोर्टीन पर तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि इस ग्राफ को जो ये दिख रहा है आपका काउंटिंग है इस पूरे काउंटिंग को अच्छे से लर्न कर लेंगे मैं लिखने को देना चाह रही थी पर मैं नहीं दूंगी क्योंकि आप लोग बहुत लिख रहे हैं तो आप इसे यहीं से लर्न करिएगा बुक से ही ठीक है और इसे करने के बाद जैसे मैं क्या दे दूंगी राइट काउंटिंग इन रोमन नंबर तो जहाँ से जहाँ तक का आपको राइट करना होगा काउंटिंग वो मैं बता दूंगी तो आपको रोमन नंबर में काउंटिंग लिखनी पड़ेगी तो इसलिए आप इसे लर्न कर लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ दैट इज़ 1.8 तो स्टूडेंट 1.8 में भी में आपको दोनों ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो इन सारे वर्कों को करना है और वो भी कहाँ पर बुक में करना है ठीक है मैंने मोस्टली वर्क आपको बुक में ही दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा इससे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है आपको और साथ ही आपको थोड़ा सा और वर्क करना है और ये भी आपका बुक वर्क ही होगा जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री तो वन पॉइंट थ्री में भी आपको ये सारे क्वेश्चन बुक में ही करने हैं तो इस तरह से पूरा मिलाकर आपका बुक वर्क ही है अब देखिए आपको क्या करना है आप अपने बुक निकालिएगा उसमें नोट करते जाइएगा इम्पॉर्टेंट और आ, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख देंगे जैसे लिखा हुआ तो मैं यहाँ पर टिक करूँगी और इम्पोर्टेंट लिख दूंगी और यहाँ पर रिवीजन वर्क भी डाल दूंगी तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि मैम ने क्या क्या रिवीजन कराया और कौन सा इंपॉर्टेंट है ठीक है स्टूडेंट तो बस आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट uh, वीडियो में मैं इसके जो और रिवीजन वर्क रह गए हैं वो आपको समझाऊँगी